वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जब हम ब्रेक पे गए तो ब्रेक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आई जिन्होंने बुशरा साहिबा से बहुत अहम बात करनी है। हमारे साथ हैं गुले नौखेज़ जो कि बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। क्या कहेंगे जी, दिल की? आज नौखेज़ साहब ने अपनी कुछ दिल की कहनी है हमें। जी जी जी, मुझे तो, मैं तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका शो माशाल्लाह इतना डिसेंट और इतना साफ सुथरा, और आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत उसे तरीके से चला रही हैं। बड़ी मेहरबानी, यकीन कीजिए कि सब में से ये शो नुमाया नजर आता है आपकी बड़ी। और जो आपने आज शख्सियत बुला ली, वो तो मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो उनकी हैसियत लिटरेचर में देवी जैसी है। बुशरा आपा, ये दो आपा हमारी लिटरेचर की बहुत, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, एक बानो कुत्सी आपा और एक बुशरा आपा। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपा, पहले तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये पता चला था कि आपकी पिछले दिनों तबीयत खराब है जी, तो अब क्या हाल है? बस आप जैसे लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपा के बारे में यही कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी माओं के हवाले से, मैंने कुछ पोर्शन वो जो सुना ब्रेक से पहले, सही। तो मसला ये है कि आपा ने बिल्कुल ठीक कहा, वो हमारी जो दौर में माएँ होती थी उनका एक कॉन्सेप्ट ये होता था कि एक तख्त पोश है, उसके ऊपर एक माँ बैठी हुई है सफेद कपड़े पहन के और तस्बीह कर रही है। सही। माँ का जब लफ्ज बदला, जब ममा हुआ, जब मम्मी हुआ, तो वो एकदम सारी पीछे तहजीब भी बदल गई। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह आपा का, मैं सबसे इसलिए, मुझे आपा का एक एक लफ्ज याद है जो आपा ने लिखा है, कि आप यकीन कीजिए कि मेरे वालिद साहब जब मैं छोटा होता था तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मुझे इनकी किताबें ला के और मुझे दिया करते थे कि तुम पढ़ो और मैं सुनूंगा। सलाम उनके ऊपर भी कि वो आपको ला के देते थे। जी जी, बहुत बड़ी बात है, कोई शक नहीं। और इनकी किताबें मैंने बोल के पढ़ी हैं सारी, लोग तो सिर्फ पढ़ते होंगे, मैंने तो अपने जुबान से भी अदा किए वो अल्फाज जो उन्होंने लिखे। क्या बात है, क्या बात। तो माशाल्लाह आपा उर्दू अदब में इतना आला मुकाम रखती हैं, और इनके अफसाने, नावल, सफरनामे, एक वसी हलका है इनके बारे में। बिल्कुल, बेशक। और फिर अरूज ये देखिए कि इंसानी रिश्तों की नजाकत और राब्तों का इदराक इंतहाई गहरा इनके यहाँ, बेशक। और इस तरह से ये अपना ताना बाना बुनती हैं अफसाने और नावल का, के कारण की दिलचस्पी आखिर तक कायम रहती है, हम उसका एक किरदार बन जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे। और फिर इनका जो सफर है सहाफत का, जो इनके कॉलम्स देख लें, बिल्कुल। और एक अच्छा, हम चाहेंगे नौखेज़ साहब, जो आपका पर्सनल एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने मेरे साथ शेयर किया था, और मैं चाहती थी कि आप जब भी बुशरा साहिबा यहाँ पे आए तो उनको बताएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। मैंने जी मैं बताता हूँ, मैंने इनका एक नॉवल पढ़ा, गालिबन, मुझे अब उसका टाइटल याद नहीं, गालिबन मोतिये के फूल या कुछ इस किस्म का नाम था। अच्छा। तो मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, सही। और वो अपनी अना की खौल में वो बंद हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और फिर एक रात अचानक वाइफ जो है वो उठती है और उसने देखा कि तकिए के नीचे कुछ फूल पड़े हैं। अब इतनी छोटी सी बात से उनकी इतनी बड़ी नाराजगी खत्म हो गई। क्या बात है, यकदम वो एक दूसरे की तरफ पलट आए। वाह वाह। तो वो मुझे याद है, मैं उस दिन आपको शेर भी सुना रहा था कि अना की जंग में हम जीत तो गए लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निठाल रहे। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो मैं मेरी तो इतनी, और आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपा के जुमले, आपा को शायद याद हो कि एक दफा फ्लैटीज होटल में, मुझे इनका जुमला अभी तक याद है और मैं बहुत हंसता हूँ उसे जब भी मेरे जहन में आता है। हम लोग कोई मिजाह के हवाले से कोई तकरीब थी, तो वहां किसी मुकर्रर ने कहा कि खवातीन जो हैं उनमें कोई आज तक मिजाह निगार नहीं हुई, तो वो क्यों मजाहिया तखलीक क्यों नहीं करती। तो आपा का कमाल जुमला था वहां पे कि खवातीन की सबसे मजाहिया तखलीक मर्द हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और आप जो देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूं, जिस नॉवल का इन्होंने जिक्र किया, उस नॉवल के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे शादी करनी है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना आपकी शादी से पहले, या अगर मंगनी हो जाए तो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उनकी, उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म किया, उस ईगो को तोड़ा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ये बात मैं खुद बता देता हूँ, आपने अच्छा किया मुझे क्यों दे दिया है कि ये मुझे, मैं जब मेरी पसंद की शादी है और हमारे दरमियान, मेरी और वाइफ के दरमियान शादी से पहले इसी तरह का एक मामला पेश आ गया।
सही। और शादी से पहले का मर्द तो बहुत ज्यादा नापरस्त होता है। तो मैंने कहा नहीं, बात नहीं करनी। ये अफसाना इनका पढ़ा और मुझे ख्याल आया कि देखें, बाजू का थोड़ा सा आपका झुक जाना आपको कितनी कीमती चीज उठाने का अल्लाह ताला इनाम की शक्ल में दे देते। बहुत खूबसूरत बात। तो मैंने वो अपना इन्हीं के उस अफसाने से मुतासिब, बल्कि ये मैं कहूँ कि अगर आज मेरे पास एक अच्छी बीवी है, मेरे अल्लाह ताला ने दो बच्चे दिए हुए हैं, तो वो इनके अफसाने का सदका है। क्या बात है, उसको पढ़ के मैंने अपना। अब आप कुछ सुनिए। मैं अब कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी। गुले नौखेज अख्तर, एक तो तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरा ख्याल है इनके वालिद साहब ने या किस लिखा हो। ये तो इतनी प्यारी तुमने खूबसूरत बातें की हैं, मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा गुले नौखेज ही रखे और इसी तरह खिले रहो। और इस तरह तुम्हारी तहरीरें मैंने मजाहिया पढ़ी हैं और वो ड्रामा अदाकार भी देख रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये नौजवान अभी हमारे बच्चों की तरह उठे हैं। हाँ। और कितनी अच्छी तरह छा गए हैं। और आपको पता है जो इससे पहले भोले का सेगमेंट था, वो भी आज इन्हीं की तहरीर थी। और तो उन्होंने ना, ये नौखेज इतना अच्छा लिखता है, इसके फिक्रों की साख्त, मैं बेसाख्ता हंसती हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि मजाक क्या होता है। सही। तो अब मुझे रूज इस बात की खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह का शुक्र अंदर से अदा कर रही हूँ। हम ये नहीं समझते कि हम खाली हाथ हैं, हमने अपने पीछे एक ऐसी नस्ल छोड़ी है, ये हमारे वारिस हैं। बेशक, ये कितनी खूबसूरती के साथ बात को आगे बढ़ा रहा है। कितना मुअद्दब और मुहज्जब लड़का है ये, और कितने अच्छे वालदैन की इसको तरबियत मिली है कि वो मेरी किताबें दे के इनको कहते हैं पढ़ के सुनाओ। क्या बात। और नखेज, तुम्हें मालूम है जब आदमी बोल के पढ़ता है तो वो चीज रगो रीशे में उतर जाती है। जैसे हमें हुक्म है कि हम कलाम पाक ऊंची आवाज से पढ़ें, इसलिए कि हमारे रगो रीशे में उतरता चला जाए, हमारी समातों में, हमारी बसारतों में। तो मुझे बहुत खुशी है। और गुले नौखेज, मैं तुमसे अब ये कहूँगी कि भाई अगर मेरा अफसाना पढ़ के तो तूने अपनी महबूबा से शादी कर ली है, तो भाई दोनों किसी दिन आओ और मेरे साथ खाना खाओ भाई, मैं देखूँ तेरी महबूबा को और उससे भी पूछूँ कि वो क्या कहती है। बहुत शुक्रिया जी नौखेज साहब, थैंक यू। मेरे खाली कॉल ज़रा ड्रॉप हो गई, मगर उनके आपने जो कहा वो उधर तक पहुंच गया होगा, और अब हम इंशाल्लाह इकट्ठे ही आएंगे आपकी तरफ, तैयारी रखें खाने की। अच्छा बताएं ना बुशरा पा, क्या जो आपसे दरख्वास्त की थी उसके ऊपर कुछ करें ना। इतने यकीन, मुझे खुशी इस बात की है कि मर्द, औरतों से ज़्यादा मर्दों के मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि आपको इस शो का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हमारी औरतों को मर्द आए। ये मर्द कह रहे हैं, ये जी मर्द है, औरतों से मुझे मार पड़वाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मार नहीं पड़वानी। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बने, हर रोज नहीं मगर हफ्ते में एक दिन आप आए, और ख़ास तौर पे जो हमारा सेगमेंट है गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, उसमें आके आप हमारी औरतों को करें। तो मैं तो तब तक आपको खुदाफिस नहीं कह रही जब तक आप हाँ नहीं कह रही। नहीं, मैं तुम्हें गजल सुना देती हूँ फिर मुझे खुदाफिस कह देना। तो फिर उससे पहले आपने हाँ कहनी है। तू तो बड़ी अजीब हाँ करवा रही है, जिंदगी में एक हाँ की थी अभी तक उसी में फंसे हुए हैं। अच्छा, हम आपको फंसाएंगे नहीं। मेरी बात सुनो, मैं इतने प्यार से तुम कह रही हो, और अगर लोगों का भी ये तकाजा है, वैसे तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे जिंदगी भी बहुत मसरूफ है, सफरों में बहुत रहती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी रूज कि अगर मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें ये चाहती हैं तो कुछ थोड़ा सा वक्त मैं तुम्हारे लिए निकाल लिया करूँ। बहुत मुबारक हो जी, जितनी मेरी सहेलियाँ हैं उनको भी, मुझे भी मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। तो इंशाल्लाह पीर से हमारे साथ होंगी आप, और आपको बताएंगे कि किस तरह से खूबसूरत ज़िंदगी को बनाने, और किस तरह से अपने रिश्तों को लेकर चलना, और घर के अंदर जो परेशानियाँ होती हैं, डिस्टर्बेंसेज होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से सुलझाना है। हमारे साथ क्योंकि थी आप, और हम चाहेंगे कि शायरी का भी बहुत ही खूबसूरत मिजाज है, जाते जाते कुछ हो जाए। नहीं, वो सुनाती हूँ, लेकिन देख मुझे इतना ना बुलाना कि लोग मेरी सूरत से बेजार। बिल्कुल नहीं आएंगे, लो मुझे डर लगता है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। हमारे नसीब क्या है, ये सहेलियों की महफिल है और सहेली के नाम से शुरू होती है, तो मुझे अब कुछ शेर याद आ रहे थे जो मैंने सहेली के हवाले से, जिसमें लफ्ज़ सहेली आता है ज़रूर, तो मैंने कहा मैं चलते चलते अपनी बहनों को, बेटियों को, बेटों को, नई नस्ल के लोगों को, और अपने पढ़ने वालों को, मोहब्बत करने वालों को सुनाऊँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उनकी इस ताईद ने अब तक मेरे कलम को तरोताज़ा रखा है, और मैं अल्लाह के फजलो करम से लिख रही हूँ और ये पैगाम पहुँचा रही हूँ। एक छोटी सी गज़ल है मेरी के अपने होने की सज़ा मैंने बहुत पाई है, अपने होने की सज़ा मैंने बहुत पाई, अपने होने की सज़ा मैंने बहुत पाई है, मेरी शोहरत है कि जैसे मेरी रुसवाई है। वाह 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 वाह। मेरी शोहरत है कि जैसे मेरी रुसवाई है,
जिस तरफ आंख उठे खून तमन्ना देखूं, लोग कहते हैं कि गुलशन में बहार आई। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत। और किसी मानूस सी दस्तक को तरसते हैं किवाड़। वाह, किसी मानूस सी दस्तक को तरसते हैं किवाड़, शहर में यूं तो किस किस से शनासाई है। वाह, बहुत आला। और सहेलियों की ये शेर है कि यूं तो हर शहर में कुछ लोग मुझे जानते हैं। वाह, यूं तो हर शहर में कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरी बचपन की सहेली मेरी तन्हाई है। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत, मेरी बचपन की सहेली मेरी तन्हाई है। और आखिरी शेर है कि आज भी मेरे ही पाँव से लगी फिरती है। बहुत, आज भी मेरे ही पाँव से लगी फिरती है वो जो ठोकर तेरे कूचे में कभी खाई। वाह वाह, बहुत ही आला, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। अब हम ये जानते हैं कि क्या तारीफ़ करें, अल्फाज ही नहीं है। और मगर हम वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कसम से कि हमारा किचन सेगमेंट भी आधा जो है वो गुजर गया है, दिल ही नहीं चाह रहा कि यहाँ से उठ के वहाँ जाएँ। मगर आप, हम जानते हैं कि आपको पत्तों से, पौधों से मोहब्बत भी है और प्यार भी है, तो हम चाहते हैं कि जो आपके घर में खूबसूरत फूल और पौधे लगे हैं उसमें ये एक एडिशन हो जाए और ये प्यार आपका। और मैं देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ, आप प्लीज़ बैठिए बैठिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बुशरा आपा, बुशरा साहिबा जो है, मुझे अपनी बेटी कहती हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैं, इनकी कोई बेटी नहीं है, बहुएं हैं चार मगर बेटी नहीं है, तीन है भाई। अच्छा, सॉरी, चौथी की तलाश है। और इनकी एक मैं बेटी हूँ ना, मैं खुद ही कही जा रही हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, और ये जो तुम्हारी नीयत है, हमने इस मुल्क को कायदे आज़म का मुल्क बनाना है, इसको हमने फ़लसफा व फ़िक्र में लाना है, अपना कल्चर वापस लाना है, अपनी माएँ वापस लानी हैं, अपना माहौल वापस। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी आमद का। और मुझे यकीन है कि जो बातें आपा ने की होंगी आपने उन्हें सुना होगा, समझा होगा, मगर उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उन पे अमल करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारी तकदीर और ज़िंदगी बदले। आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर अगले हफ्ते यानी मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।